मंत्री की गिरफ्तारी होती है और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। ईडी ने कहा कोर्ट के सामने कि 100 करोड़ रुपए का किकबैक मिला, अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश के किंग पिन है, पूरी साजिश के कर्ता धर्ता है, और 100 करोड़ जो किकबैक मिला उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनावों में खर्च किए गए। इसी बिना पर ईडी को रिमांड मिल गई, 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, 22 मार्च को कोर्ट में पेशी हुई, 10 दिन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिमांड मांगी और 6 दिन की रिमांड इसी ग्राउंड के आधार पर सैंक्शन हो गई, और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और देश के इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। पहली बार जेल से एक ऑर्डर जारी हो गया जल मंत्रालय के नाम पर। आतिशी मरलेना को ऑर्डर जारी कर दिया, जहां जहां दिल्ली में पानी की किल्लत है उसको सुधारा जाए। तो यह भी पहली बार हुआ, जैसा कि पहले दावा था अरविंद केजरीवाल का कि जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और आज की ही एक और बड़ी खबर अब यह है, हालांकि इसके पहले चुनाव आयोग, पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जा चुका है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल है, गैरकानूनी है, और चुनाव आयोग इन सारी संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले ले जब तक चुनाव नहीं हो जाते। जो बयान आए उसमें कांग्रेस भी साथ बैठी दिखी। अरविंदर सिंह लवली भी कह रहे हैं कि ये केजरीवाल को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई चुनाव से ठीक पहले एक ऐसे नेता का गिरफ्तार हो जाना जो दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुका है, 10 साल की पार्टी, 2013 में सरकार बनाई, 2015 में सरकार बनाई, 2020 में सरकार बनाई, नगर निगम में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बना ली, तो ऐसे नेता की, और लोकसभा चुनाव में जब धमक के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी, पूरे दमखम के साथ उतरने की प्लानिंग कर रही थी, अचानक गिरफ्तार हो जाना, तो चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? और ये जो टाइमिंग है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी टूटेगी बचेगी क्योंकि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, बहुत आसान नहीं है जमानत मिलना। तो क्या चुनाव लड़े जाएंगे अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में ही? कौन नेतृत्व करेगा, कौन सेकेंड इन कमांड होगा, किसकी एमपी एमएलए इतनी ही शिद्दत से सुनेंगे जितना अरविंद केजरीवाल की सुन रहे थे? अब ऐसे में ये और मैं आपको बता दूं कि गठबंधन कहां कहां है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस के पास है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, सब पर कैंडिडेट घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने। हरियाणा में 9 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास। गुजरात में 24 सीटें कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास 2। गोवा में 2 सीटें कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास सीट नहीं है, और चंडीगढ़ की 1 सीट भी कांग्रेस के पास है। यहां कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और इस बीच जहां जहां कैंडिडेट घोषित हुए, पंजाब में 13 में से 8 कैंडिडेट, दिल्ली में 7 में से 4 कैंडिडेट, गुजरात के भरूच में कैंडिडेट, भावनगर में कैंडिडेट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैंडिडेट, और आसाम में भी 3 उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो यह संकट कितना बड़ा है पार्टी के लिए, सहानुभूति वोट मिलेगा क्या? दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार 2014 और 2019 के इतर क्लीन स्वीप से इतर कोई तस्वीर बनेगी क्या? पार्टी बिखरेगी या और मजबूत होगी? तो बहुत सारे सवाल लोकसभा चुनाव से पहले हमारे सामने खड़े हैं। और मेरे साथ आज कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है, मेरे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात है जो न सिर्फ अरसे से राजनीति की दिशा और दशा समझते हैं, बल्कि इस घटनाक्रम पर भी बड़ी बारीक और पैनी निगाह बनाए हुए हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई
इंडिया गठबंधन के लिए और खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कमजोर हुई है, अगर हुई है तो मैं रखती हूं आपके सामने आज का सबसे बड़ा सवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी, चुनाव में किस पर भारी, और भ्रष्टाचार पर नकेल या सब सियासी खेल। और मेरे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, दीपक राजानी मेरे साथ हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार, राहुल महाजन जुड़ रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री देश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी स्टूडियो में ही मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। मैं विजय जी आपसे शुरू करूं, अगर टाइमिंग पर बड़े सवाल हैं, लोकसभा चुनाव की लड़ाई बिल्कुल सामने है, 10 समन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, यह संकट है कितना बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए, और क्या यह संकट है या फिर यह आपदा में अवसर भी है? गरिमा जी, पल पल रंग बदलते राजनेताओं का भी उत्सव शुरू हो गया, आपने रंगोत्सव का जिक्र किया, तो देश तो रंगोत्सव मना ही रहा है, राजनेताओं की जो रंग बदलने का उत्सव है वो भी चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आपने कहा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की जो अभी तक की पॉलिटिक्स है उसमें इसे मॉरलिटी के सवाल पर देखा जाएगा, लीगलिटी के सवाल पर देखा जाएगा, या अभिमान के तौर पर देखा जाएगा कि क्या ये बड़े गर्व की बात है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्सी पर रहते हुए, क्या उन्हें मॉरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे जयललिता जी ने दिया, जैसे लालू यादव ने दिया, जैसे सुखराम ने दिया, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया। ठीक है, कानूनी बाध्यता नहीं है तो इसलिए ये कह सकते हैं कि उनकी इच्छा है, ये उनकी इच्छा भी है जाहिर है कि किस तरह से किया जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि क्या इसके मायने क्या होंगे। इंडिया गठबंधन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया, उसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नेता अरविंदर सिंह लवली थे। तो या तो ये दिल्ली की चिंता करते हुए गठबंधन की बैठक हो, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए होती, तो मैं उम्मीद करता कि इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेता उसमें शामिल होते, कांग्रेस के भी बड़े नेता राहुल गांधी जी या कोई और कम से कम राष्ट्रीय स्तर का नेता उसमें शामिल होता। तो कुछ लोगों ने, मित्रों ने मुझे कहा कि सवाल इसमें यह नहीं है कि कांग्रेस इसमें दिख रही है, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस चाहती है। दिखना तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बन गया है, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां पर दिखाई देना है, लेकिन क्या वो चाहते हैं और क्यों चाहेंगे। शराब घोटाले की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, कांग्रेस से शुरू हुई थी, अजय माकन साहब से। मुझे लगा था कि अजय माकन साहब या कांग्रेस इसके लिए शुक्रिया अदा करेगी कि भाई उन्होंने जो लड़ाई शुरू की वो मुकाम तक पहुंच गई, लेकिन अब तब से स्थितियां बदल गई तो अब वो उनके साथ खड़े। खैर, वो अच्छी बात है कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, मसला अब यह है कि लोकसभा चुनावों में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा हो सकता है। हाँ, ये असली चिंता की बात है या असली मुद्दा ये है। दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम की पार्टी है, तो यंग पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो अभी उनका नेतृत्व केवल केजरीवाल साहब ही देख रहे थे पूरी तरह से, तो क्या उसकी सेकंड जो कमांड है वो इतनी मजबूत है कि वो इस गिरफ्तारी को एक्सप्लॉइट कर सके और लोगों तक कम्युनिकेट कर सके, उस गुस्से को बनाए रख सके। कल परसों में जो प्रदर्शन हुए उसमें ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एक दिक्कत हो सकती है, सबसे बड़ा नेता अरेस्ट हो जाए तो जनता में, कार्यकर्ताओं में आक्रोश ज्यादा होना चाहिए और पार्टी यूनाइट हो सकती है और उसका जवाब वो चुनावों तक दे सकती है, प्रदर्शन में दे सकती है। जनता अगर इस गिरफ्तारी से नाराज है तो जाहिर है लोकसभा की 7 सीटों पर उसका असर आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन उसको भी जनता को उस तक पहुंचाने के लिए वहां की जो लीडरशिप है वो क्या इसको कम्युनिकेट कर पा रही है, क्या एक्सप्लॉइट कर पा रही है। तो आपकी नजर में, आपकी नजर में जो गुस्सा आक्रोश नेता की, अपने नेता की गिरफ्तारी पर दिखना चाहिए था वो कम दिख रहा है। 62 MLA हैं गरिमा जी, 62 MLA मतलब हर एक के पास 1 लाख से ज्यादा की कॉन्स्टिटेंसी है, 62 लाख, 2 करोड़ है यहाँ पर, तो 2 लाख के करीबन हो गए। तो यदि 10,000 भी एक कैंडिडेट एक MLA के साथ हो तो 6 लाख लोग होने चाहिए दिल्ली में सड़क पर। मैं केवल कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, क्या आपको 6 लाख लोग दिखाई दिए? और वो जो प्रदर्शन हुआ वो जाहिर है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जो है, मैंने शुरुआत में भी कहा कि 13 में सरकार बना ली, उस समय तो सारे राजनीतिक पंडित ये भविष्यवाणियां किया करते थे विजय जी कि दिल्ली में 5 से
छह सीटें, बल्कि 3 से 6 सीटें भी केजरीवाल ले आए तो गनीमत है। केजरीवाल पहली दफा में लाए 27 सीटें, 27 या 28 सीटें। उसके बाद 15 में सरकार बनाई, उसके बाद 20 में सरकार बनाई, एमसीडी में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, तो केजरीवाल पॉपुलिस्ट लीडर है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। संशय मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो पॉपुलिस्ट लीडर है, उनकी एब्सेंस को क्या उसी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी एक्सप्लॉइट कर सकती है, वो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को यदि हम इसमें शामिल कर लें कि वो सियासी खेल है, तो उन्होंने भी इसको नापतोल किया होगा, नापजोक किया होगा, लेकिन नापजोक में भी गलती होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा पॉपुलर लीडर इस समय कोई नहीं है दिल्ली में, खासतौर से देख लें, और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बड़े पॉपुलर लीडर है, लेकिन उनकी जब एब्सेंस हो जाती है तो क्या जो सेकंड इन कमांड है वो उसको उसी तरह से चला सकती है, उसको एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेकंड इन कमांड तो दिखता नहीं अभी, एज ऑफ नाउ अगर देखें तो वो सेकंड ऑफ, तो अगर वो कमांड नहीं होगा तो कैसे प्रदर्शन होगा, कैसे विरोध होगा, कैसे नाराजगी होगी, और कैसे उस नाराजगी को कार्यकर्ता से वोटर तक पहुंचाया जाएगा, तो वो नुकसान भी कर सकता है ना। सुनीता केजरीवाल जैसे वीडियो जारी करती हुई दिखी जी, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई दिखी, तो क्या ये भी संभावना है विजय जी की वो आगे बढ़कर कमान संभाल ले, ये ज्यादा मुफीद सिचुएशन होगी क्या पॉलिटिकली? हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल साहब अब ये वाली रिस्क लेंगे, जैसे हेमंत सोरेन साहब ने भी कल्पना जी को नहीं बनाया, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन जितनी संभावनाएं हम अरविंद जी से सोच रहे थे उन सब संभावनाओं को उन्होंने तोड़ा है, हमें हमेशा ही गलत साबित किया है। जैसे यही बात हो रही थी कि नैतिकता की बात, तो लगता था कि अरविंद जी भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस्तीफे का उनको वैसे भी शौक है, वो जब पार्टी शुरू की तो जैसे ही आरोप लगाते थे तो इस्तीफा मांगते थे। नहीं, वो तो इलीगल कह रहे हैं ना गिरफ्तारी को। हाँ, तब भी इलीगल गिरफ्तारी है, लेकिन आरोप जो लगे हैं, आप यदि आम आदमी पार्टी को 2013 से देखें तो जब भी वो आरोप लगाते थे तो कहते थे इसको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को, लंबे है ना, तो वो अब इस्तीफे को उनको दे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था ये उनका तय करने का था। लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति आम आदमी पार्टी को उतनी ही ताकतवर बनाकर रखेगी, और सुनीता केजरीवाल जी क्या आम आदमी पार्टी का नया फेस होंगी ये भी पार्टी को तय करना। इस पर आपका टेक क्या है, हो सकती है क्या सरकार में? तो मुझे नहीं लगता कि होंगी, संगठन के तौर पर वो कर सकती है, क्योंकि एक जो इमोशनल कनेक्ट है उसको काम में लेने के लिए किया जाए, जैसे कल उन्होंने जिस तरह से संबोधन किया अरविंद जी की बात को, क्योंकि अरविंद जी में बहुत एक अच्छी बात है कि वो कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, वो कभी आपको कसम दिलवाते हैं, कहते हैं कि अपने पति को कसम दिलाना कि वोट देना है कि नहीं देना है, कभी कहते हैं कि मंदिर जाकर प्रार्थना करना, कभी कहते हैं बेटा है भाई है, तो उनमें एक इमोशनल कनेक्ट की ताकत है, और वो ताकत सुनीता जी के थ्रू वो संगठन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सरकार में जिम्मेदारी संभालेंगी ऐसा संभावना मुझे तो अभी कम लगती है। विनोद जी, हम जिस सहानुभूति वोट की बात कर रहे हैं, सिंपैथी वोट की, लेकिन उसके पहले मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं कि जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये टाइमिंग जुड़ती है क्या पॉलिटिकल इकोसिस्टम से भी? नहीं, उसमें कोई शक है क्या भाई? टाइमिंग आप देखिए, अभी जैसे विजय जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो सारे विरोध को एकजुट करके धारदार शक्ल दे सके। जो कर सकते तो पहले से जेल में है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये दो नेता ऐसे थे आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल, अगर मान लीजिए पहले अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी हो गई होती तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया वो काम करते, कर सकते थे, करते वो फिर जो आज सौरभ भारद्वाज अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पा रहे हैं अलग बात है। इसलिए देखिए, पहले किसको पकड़ा गया? पहले पकड़ा गया मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया नंबर टू, यानी ये नंबर टू को पकड़ने के बाद कि किस तरह का प्रतिरोध होगा, किस तरह का विरोध होगा, थोड़ा सड़क पर प्रतिरोध हुआ, थोड़ी बाकी लीगल बैटल चली, लीगल बैटल में कोई कामयाबी नहीं मिली, फिर संजय सिंह आ गए, संजय सिंह को पकड़ा गया, ईडी ने पकड़ा, उसमें भी लीगल बैटल तक गया मामला, और सड़क का विरोध 2-3 दिन चला, वो शांत हो गया, तो एहसास हो गया एजेंसीज को भी, सिस्टम को ये कि, और अगर आप सत्तारूढ़ दल की बात करें तो बीजेपी को भी, कि भाई कहां तक ये जा सकते हैं। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है ठीक उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह पीएमएलए कानून है और जिस तरह उसका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जितने लोग पकड़े गए उसमें जमानत की तो संभावना है, जमानत की संभावना लगती नहीं है, हो जाए तो लीगल प्रोसेस है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह पीएमएलए कानून के अंतर्गत अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, तो अगर मान लीजिए
केजरीवाल जी की जमानत जल्दी नहीं होती है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट से होगी तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट से होगा तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे में दिल्ली की जो 7 सीट है विनोद जी, वो फंसी बीजेपी के लिए फंस गई या आम आदमी पार्टी के लिए फंस गई? लेकिन ये भी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सिंपैथी वोट ज्यादा मिल जाए, 14 और 19 इस बार ना रिपीट हो। नहीं देखिए, अगर आप बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से देखें सारे मामले को, तो दो दुधारी तलवार है ये। दुधारी तलवार इस रहे है कि अगर बड़े नेता को, जो कि पार्टी का कर्ता धरता, चेहरा, लोकप्रियता में सब कुछ जो व्यक्ति है, वही अरेस्ट होकर जेल के अंदर हो गया, और पार्टी अगर इस गिरफ्तारी को सहानुभूति लहर में बदल लेती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सीटें फंस जाएंगी। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीतियों का, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इनसे जिनको लाभ पहुंचा है समाज के जिस तबके को, वो थोड़ा बहुत अगर वो लोकसभा चुनाव में काफी हद तक बीजेपी के साथ गया है पिछले 2014 में और 2019 में, अगर उसको तकलीफ हुई अरविंद की गिरफ्तारी से और वो बीजेपी के साथ नहीं गया जैसे पिछली बार गया और उसके पहले गया, और आम आदमी पार्टी के साथ ही रुक गया रिएक्शन में, तो बीजेपी की सीटें फंस जाएंगी। नहीं इस बार जैसे इस बार, लेकिन अगर लेकिन अगर आम आदमी पार्टी वो लहर नहीं बना पाई और के अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहे और उस तरह जैसे बाहर रह के जितना आक्रामक प्रचार वो कर सकते थे वो कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया, तो हो सकता है बीजेपी के लिए लाभ की स्थिति भी हो जाए। ये तो मुश्किल थी क्या? ये चुनौती थी, दुधारी तलवार है, ये दुधारी तलवार है, ये मुश्किल थी क्या बीजेपी के लिए कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो गया? ये मुश्किल थी? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशी लगभग बदल दिए मनोज तिवारी को छोड़ करके, तो एक तो संकेत इस बात का है कि बीजेपी ने इस गठबंधन को हल्के में नहीं लिया। भले ही 2019 में अगर वोटों का परसेंटेज देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा, 60 तक भी पहुंचता है, तो उसको अगर दोनों को मिला भी दे तो इसलिए खतरा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राजनीति में हमेशा अंकगणित नहीं होता है, रसायन होता है, तो अगर कहीं रसायन बिगड़ गया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने अपने पहले तो प्रत्याशी बदले, 5 के 6 प्रत्याशी बदल दिए एक को छोड़ करके, तो जो एंटी इनकम्बेंसी एमपीज को लेकर के थी या हो सकती थी वो उसने काउंटर किया, खत्म किया। दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो भाजपा विरोधी वोटों की एकजुटता बन सकती है, क्योंकि क्या होता है जब तीनों तरफा चुनाव हो रहा है तो विरोधी वोट में लगता है जीत तो सकते हैं, बट भी जाएंगे, और एक एक निराशा हो जाती है कि अरे भाई ये जीतना तो है नहीं, तो काफी लोग घर बैठ जाते हैं या वोट जीती हुई पार्टी को दे देते हैं। तो इसलिए भाजपा ने महसूस किया कि अगर ये एकजुट होकर लड़े और भाजपा विरोधी वोट एकजुट हो गए और कहीं जो बीच में जो वोटर जो बैठा होता है, जो कहते हैं सारे सर्वे में आता ना, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो वोटर अगर इधर घूम गया तो फिर निश्चित रूप से चुनौती बढ़ जाएगी। अब इसमें जो है, अब एक बात मैं कह के कंक्लूड करूंगा, जिस तरह जो कांग्रेस पार्टी का अभी विजय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, कर तो रही है समर्थन या वाकई चाहती है, वो दुविधा कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि वो गठबंधन में है दिल्ली में, और दिल्ली में गठबंधन है, और अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर कहीं है तो दिल्ली में है, पंजाब से भी ज्यादा लोकप्रियता उनकी दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो वोटर अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का है, वो जो 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है उन 3 सीटों पर भी काफी अच्छी संख्या में है। कांग्रेस समर्थन करने से वो वोटर कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, लिबरल थोड़ा नहीं, काफी लिबरल हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा। अब कांग्रेस साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, बहती गंगा में कांग्रेस भी आ गई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खड़ी है, रिहाई के समर्थन में है, तो वो वोटर भी कहेंगे, तो कांग्रेस कोशिश करेगी इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोटर को अपने पक्ष में ट्रांसफर करने, और इसीलिए अरविंदर सिंह लवली बैठे हुए नजर आए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंदर सिंह लवली बैठे हुए नजर आए। अकू श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए कि पंजाब और दिल्ली, दो ऐसी टेरिटरी जहां कब्जा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन दोनों ही जगहों पर लोकसभा चुनाव में, ना दिल्ली में और ना पंजाब में, लोकसभा चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला नहीं, इस गिरफ्तारी से, इस ड्राइव से पंजाब और दिल्ली में क्या बदलेगा? देखिए गर्मा जी, जहां तक मैं दिल्ली से शुरुआत ना करके, क्योंकि दिल्ली को बताने वाले हमारे दोनों साथी जो हैं वो बहुत डिटेल में उसको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इधर उधर की बात होगी वो पंजाब में होगी।
पंजाब के साथ क्या है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास में लोकसभा सीट के नाम पर एक सीट है जालंधर की, और सरकार है उसकी वहां पर, और वो सरकार अरविंद केजरीवाल की है। नाम के लिए वहां पर अभी तक भगवंत मान बैठे हुए हैं और भगवंत मान अपने तरीके से करते आ रहे हैं, धीरे धीरे वो एसर्ट करते नजर आ रहे हैं और उनकी एक स्थिति बनती चली आ रही। नहीं तो ये पूरी पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल के नाम पर रही। बिल्कुल ठीक बात है। वहां वहां जो स्थितियां हैं, 13 सीटें हैं वहां पर, और 13 सीटों में जो बाकी दावेदार हैं वो भी टूट फूट से ग्रस्त हैं। उनके भी इतनी, किसी की उम्र ज्यादा हो गई है, किसी का इतना अभी उम्र हुई नहीं है कि वो वोट देने वाला हो। तो वहां दो तरीके का राजनीतिक पार्टियां, एक है मतलब अकाली दल बादल है, तो वो उसकी स्थिति बिल्कुल अजीबोगरीब है और वो बहुत ही बुरी दुविधा में घूम रही है, कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, उसके जो जगह है, जमीन है, वहां वो काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस की सरकार अभी कुछ दिनों कुछ महीनों पहले तक थी, और लेकिन वो ऐसे ही ध्रुवतारा थे, बिल्कुल खत्म हटाई कि वो नजर ही नहीं आ रहा है मामला, कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। अब कौन बचता है? तो बचते सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी बचती है, और उसके अलावा भाजपा थोड़ा बहुत बचती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी बड़ी स्थिति में भी कोई बहुत बड़े स्तर पर वहां प्रभाव छोड़ पा रही है, ये अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इसी से तो सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, सामान्य सामान्य गणित लगाने वाला आदमी दिल्ली और पंजाब को एनालाइज कर रहा था इस गिरफ्तारी से पहले, ये कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये गिरफ्तारी क्या गेम चेंजर होगी? क्या ये गिरफ्तारी गेम चेंजर हो सकती है? हाँ। लेकिन अभी तक पिछले 3 दिन में कोई ऐसी बहुत बड़ी सुगबुगाहट नहीं। इत्तेफाक से इसी 3 दिनों में पहले दिन में जलंधर में ही था, और जब जलंधर में था तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग विरोधी जो गुट है वही उसकी उस पर नजर आ रहा था। बाकी का तो फिर ये था, कोई अपने अपने तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था वो भारतीय जनता पार्टी के तरीके से बात कर रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी था वो विशुद्ध रूप से इनके विरोध में था और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में था। तो ये आप अभी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते कि करवट होगा, लेकिन तय है कि अगर थोड़ी सी भी ठीक ठाक तरीके से कोशिश की जाएगी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से ज्यादा, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूं, दिल्ली से ज्यादा पंजाब में इसका फायदा उठा सकती है। नहीं, लेकिन वो सुनीता कोशिश करने वाली सूरत अकूत नजर आ रही है क्या अभी? जिस सूरत में सेकंड इन कमांड कोई है नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। आज वहां पहले एक तो ये कि जो सेकंड इन कमांड थे राघव चड्ढा एंड कंपनी, वो वहां पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। उनको या तो अब थोड़ी एंट्री बैन है या जो भी है, वहां पर उस तरीके से सक्रियता उनकी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल यहां पर करने की कोशिश कर रही है, वो सुनीता केजरीवाल नामक कोई आदमी या खुद भगवंत मान अभी उस तेजी से समझ में सामने नहीं आ पा रहे हैं कि चीजें सामने दिख सके। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए पंजाब में कि पंजाब में पहले ही चरण में चुनाव हो जाने होंगे वहां पर। तो जो आप ये कह रहे हैं भाई पार्टी कौन संभालेगा, वो ड्राइव जो नजर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब दीपक ये बताइए कि क्या फिर ऐसी सिचुएशन में जब हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पीएमएलए में अभी तो जमानत मुमकिन है नहीं, संजय सिंह पिछले 6-7 महीने से है, मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से, फरवरी 1 साल से भी ज्यादा हो गया, फरवरी में अरेस्टिंग हुई थी पिछले साल, तो क्या एनसीपी और शिवसेना की तर्ज पर बढ़ेगी ये पार्टी? टूट की कगार पर खड़ी है या कोई और सूरत हाल दिखता है? गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक दो सवाल सब जगह चर्चा में है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपदा अवसर में पलट सकती है, एक ये चर्चा है। दूसरी चर्चा ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप डालकर केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, तो क्या केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं? दो प्रकार की चर्चा हमको पूरे देश में सुनाई दे रही है। अभी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि केजरीवाल की जिस हिसाब की लोकप्रियता पंजाब, दिल्ली और देश के थोड़े बहुत एरिया में है, उसको देखते हुए क्या सहानुभूति के मत मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले काफी समय से चुनाव में क्या होगा वो समझना सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
मैं जनरली गुजरात की बात करूं तो गुजरात में बीजेपी को 156 सीट मिलेगी, वो नरेंद्र भाई भी नहीं जानते थे, अमित भाई भी नहीं जानते थे, और उसको 156 सीट मिल गई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने जो पहली चुनाव का जिक्र किया तब केजरीवाल को 3-5 सीटें मिलेगी, लेकिन वो 27 सीट ले गए, उसके बाद बाकी के दो चुनाव में काफी ज्यादा मेजोरिटी मिली, पहले में 67 आ गए फिर 62 आ गए। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दो बातें की जो चर्चा है कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा को करके आगे करके सभी विपक्ष के लीडरों को अंदर कर रही है, क्या वो सही है? अच्छा, दूसरा जो लेकिन इस मोरालिटी आगे नहीं आता, आदमियों के मन में एक सवाल तो है कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है वो विपक्ष के लीडरों की क्यों हो रही है? बीजेपी में सब दूध के दुएले हैं, तो ये बात भी है, तो ये नैरेटिव है क्या जनता में? दीपक, अगर मैं पूछूं आपसे कहीं ना कहीं सवाल है कि केजरीवाल जैसे आदमी को गिरफ्तार जो किया उससे बहुत बड़े लोग बड़े पैमाने में लोगों में एक चर्चा जरूर हो गई है कि केजरीवाल ने ऐसा किया होगा भ्रष्टाचार। अच्छा, पहले उसकी जो छवि थी वो मिस्टर क्लीन की छवि करके वो पॉलिटिक्स में आए थे, और उसके बाद उसके सामने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार किया होगा? उसमें भी जो जो समाज है वो बटा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, बहुत सारे ये मान रहे हैं कि जो राजनीति में जो आते हैं वो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में घिसीट के जाते हैं। तो नहीं, लेकिन दीपक एक और सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ा जाता है क्या इस देश में? यहाँ तो जेल से चुनाव लड़ता है कोई भी आरोपी और जीत जाता है। ये तो पहली बात, अंसारी कितने सालों से जेल से चुनाव लड़ रहा है और हजारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। नहीं, कोई मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद चुनाव फेस करेगा वो तो हमने पहली बार हम लोग देखेंगे ना, और ये भी आपकी तरफ से ये ट्राई होगी कि सहानुभूति के मत उसको मिले। अच्छा, उसका फायदा कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, गुजरात में होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, और जैसे विजय जी ने जो बात बताई वो मैं बात आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल पहली पीढ़ी के नेता थे, दूसरे जो हरोड़ वाले नेता है वो कहाँ है? जो जिस हिसाब का केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम लोग ये सोचते थे कि बड़े पैमाने में दिल्ली में कुछ न कुछ रोज आंदोलन होगा, लेकिन जिस लेवल की जो बातें हो रही थी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, ये दीपक, ऑल ऑफ सडन चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो जाना, ये हो सकता है पार्टी के भीतर भी एक अभी उहापोह की स्थिति हो, दुविधा की स्थिति हो, लेकिन बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि गिरफ्तारी तो होगी। विजय जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे आप लोगों की गिरफ्तारी हुई, चलिए दीपक मैं लौटूंगी, आपकी आवाज दरअसल थोड़ी सी टूट कर मुझ तक पहुंच रही, मैं दोबारा लौटूंगी। राहुल जी, अब ये बता दीजिए कि ये पूरा लोकसभा का चुनाव जिसमें विपक्ष के सारे नेता तकरीबन अंदर हैं, और ये भी मुझे लगता है इमरजेंसी के बाद देश पहली बार देख रहा है कि भाई हेमंत सोरेन भीतर, ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री भीतर, अरविंद केजरीवाल भीतर, तो ये सब भ्रष्टाचार के नाम पर जो सबको भीतर डाल दिया, ये कोई सेंटिमेंट पैदा करता है क्या, या फिर जनता ये कह रही है भाई भ्रष्टाचार किया है तो भीतर जाओगे? देखिए, ये कहना कि सारे लीडर अंदर तो शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा या अनुचित होगा। साउथ के बहुत सारे लीडर्स, मेन लीडर्स बाहर हैं, ममता बनर्जी बाहर हैं, बहुत सारे और लीडर्स बाहर हैं, ये तो कहना थोड़ा अनुचित होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात आती है सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट और टाइमिंग क्या है, ये बातें हमेशा उठती हैं कि टाइमिंग क्या है, सेंटिमेंट क्या है। तो देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत पॉपुलर लीडर हैं दिल्ली के, अगर हम ये मानते हैं कि इससे सेंटिमेंट उभरेगा, तो क्या बीजेपी को ये नज़र नहीं आ रहा था? और हम ये अगर प्रिमाइस लेते हैं कि ये जो काम है बीजेपी ने, प्रिमाइस लेते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम ये मानते हैं कि बीजेपी ने ईडी के जरिए ये काम करवाया, अगर हम ये मानते हैं, तो बीजेपी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ये काम। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनको गिरफ्तार कर लेंगे ईडी के जरिए, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो विधानसभा चुनावों में 60-70% वोट जो है केजरीवाल लेके गए हैं। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात कर लें पिछले दो, तो कांग्रेस और अगर आपके हम वोट शेयर को मिला लें तो लगभग 40-42% वोट जो हो जाता है, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बीजेपी सारी सीटें हार सकती है।
दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रही है कि अच्छा चलिए ये चल ये भी करके देख लेते हैं लोकसभा चुनावों से पहले, जब उनका टारगेट है कि उन्हें कितनी सीटें लेनी है, वो फूक फूक के कदम रख रही है, वो ये भी फूक रही है कि अच्छा, ये भी ध्यान दे रही है कि अच्छा यहाँ पर जो है अपना कैंडिडेट चेंज कर देना चाहिए क्योंकि हार हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है, ये मुद्दा बड़ा हो सकता है क्योंकि अगर ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं देश में चला गया, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये सेंटिमेंट कोई देश के लोगों के भीतर है, लेकिन अगर ऐसा सेंटिमेंट गया कि बीजेपी जो सरकार है वो ऑपोजिशन लीडर्स को जो है एक एक करके जेल में डाल रही है, तो ये सेंटिमेंट अगर गया तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत ही हार्मफुल सेंटिमेंट होगा। और मुझे जैसे कि मुझे लगता है कि कांग्रेस और आप जो है वो अगर इस मुद्दे को सही से उठा पाए, अगर मैं इसको पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर देखूं और ये देखूं कि इस राजनीतिक इसका फायदा कैसे कोई पार्टी ले सकती है, तो अगर कांग्रेस और आप जो है वो इस मुद्दे को ठीक से उठाएं, दिल्ली की जनता के भीतर लेके जाएं, जो कि अभी दिखाई नहीं देता है मुझे जिस तरह से, तो इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा दिल्ली में लोकसभा चुनाव पे जरूर हो सकता है। मैं राहुल जी एक बात और पूछ रही हूँ आपसे कि सातों कैंडिडेट में दिल्ली के 6 कैंडिडेट्स का बदल देना, और सारे पॉपुलिस्ट थे, गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, मीनाक्षी लेखी केंद्र में मंत्री थी, डॉक्टर हर्षवर्धन का इतना दशकों लंबा करियर है सियासी, उसके बावजूद सबको बदल देना सिवाय मनोज तिवारी के, तो यानी कि ये तो माना जा सकता है कि 2024 में इतनी आसान स्थिति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर। ये तो मैं शुरू से ही बोल चुका हूं, मैंने आपको अंकगणित भी बताया जो कि जो है कि अगर कांग्रेस और आपके अगर आप वोट शेयर को मिला लें तो 40-42% वोट शेयर हो जाता है। और तो अगर इतना वोट शेयर ऑलरेडी जो है बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस और आपको मिला के होता है, तो उसमें तो थोड़ा भी अगर जो है बदलाव हुआ तो वो तो कहीं पे भी चुनाव जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को ये तो समझ है ही कि दिल्ली का चुनाव जब आप और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो इतना आसान चुनाव नहीं होने जा रहा। लेकिन जिस समझ की बात आप करते हैं कई बार फाउल प्ले भी होता है क्या राहुल जी, विनोद जी, कई बार फाउल प्ले भी हो जाता है कि अगर स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में, नहीं एक सेकंड में सवाल रख लेती हूँ, फाउल प्ले कैसे होगा अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में कैलकुलेशन जा सकती है गठबंधन होने के बाद, तो बीजेपी ये समझ रही है वो और जमीन पर खेलने वाली खिलाड़ी है बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कर्नाटक में उल्टा पड़ा ना, कर्नाटक में बजरंग बली का नाम उल्टा पड़ा विनोद जी, तो क्या ये सिचुएशन पॉलिटिक्स में नहीं कहा जा सकता कि कब क्या होगा? नहीं देखिए, राजनीति बड़ी जो है बड़ा संभावनाओं का खेल है, और कई बार मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूँ, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी बनी तो कांग्रेस में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, शीला जी के तमाम सिपाही सालार इस बात से खुश थे कि एंटी कांग्रेस वोट का बंटवारा होगा और कांग्रेस का रास्ता अपने आराम से सुगम रहेगा, उनका पूरा कैलकुलेशन यही था। अन्ना आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो कई बार जैसे मैं कवर करता था पूछता था कि भाई क्या हुआ ये आम आदमी पार्टी से क्या आपका नुकसान हुआ, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो बीजेपी नॉन कांग्रेस वोट जो बटेगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में और हमारा रास्ता आसान है। हो गया उल्टा, हो ये हो गया कि पहले 8 सीटें आई 2013 में और उसके बाद फिर 15 में और 20 में जीरो पे जीरो पर आ गया। तो मतलब कहने का ये इस तरह के कैलकुलेशन जो पार्टियां लगाती हैं तो कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं राजनीति में। अब इमरजेंसी का उदाहरण हम लोग सब लोग देते हैं, शायद इंदिरा गांधी को एहसास नहीं रहा होगा कि 77 में इस तरह से सफाया हो जाएगा उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हो गया। 2004 का उदाहरण लोग सामने है कि हर तरफ इंडिया शाइनिंग का जोर था और कोई कांग्रेस ने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं किया था तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ की उसके उसको लेकर कोई वो बनता, लेकिन जब नतीजे आए तो एकदम सब मामला बदल गया। इस बार तो 2024 अभी तो हम दिल्ली इसकी बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर दीजिए आप, इतना लंबा भविष्यवाणी अनुभव है देख रहे हैं आप सारी, भविष्यवाणी मैं कभी नहीं करता गरिमा जी, कई बार आपके चैनल पर डिस्कशन में आ चुका हूँ, मैं कभी भी चुनावों को लेकर भविष्यवाणी नहीं करता। गणित क्या है, चलिए भविष्यवाणी छोड़िए, गणित क्या है, लेकिन अभी चूंकि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर, देखिए दो असर तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो बड़ा ढीला ढाला सा लग रहा था अचानक इस गिरफ्तारी ने उसको जगा दिया, अब
सब नेता एकजुट हो गए। अब 31 तारीख को दिल्ली में रैली करेंगे। अब 31 तारीख को अगर दिल्ली में रैली करेंगे और उसमें सारे नेता होंगे, बड़े नेता भी होंगे, जैसे अभी किसी ने कहा, शायद विजय जी ने कहा था कि खाली अरविंद वो लवली गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ। तो सूचना देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी आगे बैठेंगे, वो तो लवली ही बैठेंगे, हाँ। क्यों, दिल्ली की मामला है ये, वो तो रैली में अगर राहुल गांधी और खड़गे और स्टालिन और उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव आएंगे कि नहीं आएंगे तब महत्वपूर्ण, अगर वो सारे आते हैं उस रैली में तो निश्चित रूप से एक माहौल बनेगा लोकसभा चुनाव का। तो इस तरह की घटनाएं कई बार अचानक एक ब्रेक थ्रू भी साबित होती है। पार्टी में कोई स्प्लिट देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में? हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता अभी हाल में अभी कोई स्प्लिट की संभावना मुझे नहीं दिखाई। लोकसभा तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल, जो भी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट भी होंगे, हाँ, वो लोकसभा तक। देखिए, कपिल मिश्रा अगर आम आदमी पार्टी में होते तो वो एक नाथ शिंदे की भूमिका अदा करने की कोशिश जरूर करते, क्योंकि उस समय भी जब उनको पार्टी से निकाला गया और आम आदमी पार्टी से अलग हुए और उस जल बोर्ड के वो थे, तो तभी वो उनके जो तेवर थे वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ गए थे। आज अगर वो होते तो आज वो शायद वो कोशिश करते, लेकिन ऐसा कोई नेता अभी तो मुझे दिल्ली में नजर नहीं आ रहा, हाँ। है जो एकदम से वो करे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, सुनीता केजरीवाल को आगे लाने के दो मायने हैं। एक मायना यह है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वो पार्टी में एक मैग्नेट बने, एकता का मैग्नेट, क्योंकि सौरभ भरद्वाज, आतिशी, ये सारे नेता समकक्ष हैं, सब कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं और इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। तो लीडर कौन, जैसे जो स्थिति कांग्रेस की है कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, नरसिम्हा राव के बाद सोनिया गांधी मैग्नेट बनी क्योंकि राजीव गांधी की पत्नी थी, ये हो सकता है, या लालू यादव के बाद राबड़ी यादव मैग्नेट बनी, वैसे ही उसी मॉडल पर सुनीता केजरीवाल को आगे ला करके एक मैग्नेट का काम दिया गया। अब वो हो सकता है मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन हो सकता है संयोजक बन जाएंगे अगर अरविंद केजरीवाल संयोजक पद छोड़े तो। मतलब सुनीता केजरीवाल एक अहम भूमिका हो सकती है और इसका संकेत भी मिला क्या? इसका संकेत भी है कि वो कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की, हाँ, वो संबोधन दे रही है, वीडियो रिलीज कर रही है, ये संकेत माना जाए? कुर्सी पर बैठ करके वो बता रही है कि अर्धांगिनी जो है पति का आधा हिस्सा होती है हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, तो निश्चित रूप से उस कुर्सी पर भी आधा हक तो उनका ही, सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से, संवैधानिक रूप से नहीं, संवैधानिक रूप से नहीं, तो कुर्सी पर अगर बैठी तो कहीं कोई आपत्ति किसी ने नहीं की। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हाँ आपत्ति हुई, आपत्ति तो बड़ी हुई बीजेपी की तरफ से, मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी तरफ से कोई नहीं खड़ा हुआ कि भाई आप कुर्सी पर कैसे बैठ रहे हैं, कोई एकनाथ शिंदे नहीं खड़ा हुआ, कोई जो है प्रणब मुखर्जी नहीं खड़ा हुआ जो जब राजीव गांधी के मरने के, इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना था तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सीनियर मोस्ट बनना चाहिए, तो कोई ऐसी आवाज अभी तक आम आदमी पार्टी में। अभी स्प्लिट वाली जो अंदेशा है उसको खारिज किया जा सकता है कि अभी स्प्लिट की संभावना कम से कम मैं तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन विजय जी देख रहे हो तो पता लग गया। हां भाई, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई एकजुट हो गया इंडिया गठबंधन, मां रैली करेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो बीजेपी भी तो सड़कों पर है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, हो सकता है वो मूवमेंट बना ले, ये लोग ना बना पाए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, विनोद जी जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है, जब गठबंधन की रैली होगी तो उससे क्या माहौल बनता है वो एक अलग चीज है। विनोद जी ने कहा और ये सही बात है, जनरलाइज हम करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे माइक्रो लेवल पर जाएं तो पॉलिटिक्स जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज तो है ही, लेकिन स्किल का भी है, कम्युनिकेशन स्किल का भी गेम है और मैनेजमेंट भी है और परसेप्शन कैसे आप बनाते हैं, गेम ऑफ परसेप्शन भी है। इसको दो तीन तरह से, आपने कहा कि भ्रष्टाचार इशू नहीं होता, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, बिल्कुल ठीक उदाहरण दिए, लेकिन जयललिता जब गिरफ्तार होगी और इस्तीफा दिया तो AIADMK का वोट बढ़ गया। सुखराम जो सबसे पहले एक तरह से माना जाना चाहिए बहुत लंबे समय के बाद अरेस्ट हुए थे करप्शन के मामले में, तो उनका वोट भी बढ़ गया मंडी में, ठीक है। ये अलग तरीके, मैं आपको परसेप्शन, एक तरीके की ये भी अपने राजनेताओं के प्रति भक्ति होती है। परसेप्शन को इमरजेंसी का जैसे जिक्र हुआ, तो इमरजेंसी में सारे नेता गिरफ्तार हो गए, कोई सेकंड कमांड, थर्ड कमांड, फोर्थ कमांड कोई थी नहीं, लेकिन जनता अपने आप खड़ी हो गई, एक परसेप्शन बना कि भाई इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। एक परसेप्शन बनता 1970 में बांग्लादेश, 71 में बांग्लादेश से जीतने के बाद इंदिरा गांधी का एक नए तेवर के तौर पर। एक परसेप्शन बनता है 1984 में, 1985 में राजीव गांधी मिस्टर क्लीन बनकर आते हैं, और 1989 में क्या होता है, करप्शन पर सरकार गिर जाती है। इसलिए ना कहें कि करप्शन पर सरकार नहीं गिरती, मतलब राजनीति 2014 में दो और दो हमेशा चार नहीं। 2014 में क्या हुआ, हाँ जी, मनमोहन सिंह सरकार केवल इस वजह से गिरी क्योंकि उसे एक माहौल बना कि वो सबसे करप्ट सरकार है, तो करप्शन पर इशू बना, तो दोनों चीज चलती। आप कैसे, इसलिए मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन स्किल का गेम है,
केवल पॉसिबिलिटीज का ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज कम्युनिकेशन स्किल से बनती है, कैसा आप परसेप्शन बना रहे हैं। क्या आपने तय कर दिया कि मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार या जो भी विद्वान प्रधानमंत्री की सरकार सबसे करप्ट सरकार है देश की, और जो देश में सबसे क्लीन इमेज वाला मिस्टर क्लीन प्राइम मिनिस्टर हो वो 3 साल में मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाए? तो आप तो ये जो फैक्ट है विजय जी कि केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिनको बड़ा फैक्टर माना जाए यूपीए सरकार के गिरने का। भाई लंबे चौड़े दस्तावेज लेकर बैठते थे, कलमाड़ी को जेल भेज दीजिए, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, इतना लंबा चौड़ा परसेप्शन का मसला है ना, क्योंकि जितने मामले देखे उनमें कोई बड़ा कुछ निकला नहीं है। हाँ। तो केवल गेम परसेप्शन का है। और अभी इस समय जनता क्या सोच रही है, केजरीवाल अरेस्ट हो गए करप्शन के आरोप में, अरेस्ट हो गए, जनता क्या सोच रही है? ये सोच रही है कि हमारा नेता करप्ट हो सकता है क्या? गरिमा जी जनता कुछ नहीं सोचती, जनता को आप क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं वही स्किल जो कम्युनिकेशन की है। आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आप ये जनता को मैसेज दे पा रहे हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के सारे नेताओं को ध्वस्त करना चाहती है, सारे नेताओं को जेल ले जाना चाहती है, जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में ले जा रहे हैं, या आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कोई दूसरी पार्टी कि भाई ये सब लोग करप्ट हैं, ये सब लोग बेईमान हैं, ये सब लोग एक ही थैली के हैं, ये सब लोग चोर हैं? और ये 6 दिन का ये जो कूलिंग पीरियड लिया गया ये भी इंपैक्ट करेगा, ये महारैली 6 दिन बाद, ठीक है वो तो महारैली, फिर ये होता है कि कल करते और लोग नहीं आते, फिर आप कहते कि इससे बढ़िया 6 दिन लगाते, वो तो क्या उसकी बात, तैयारी की बात है, वो लॉजिस्टिक्स का मसला है, वो कोई ऐसा नहीं, बेहतर है कि 6 दिन बाद भी एक बड़ी रैली हो जाए। मैं सोचता हूँ दिल्ली में 10 लाख लोगों की रैली हो, आप 77 को याद कीजिए मैडम, इंदिरा गांधी जिस दिन वो 75 को इंदिरा गांधी जब राष्ट्रपति भवन जा रही थी रात को 8 बजे मिलने के लिए फखरुद्दीन साहब से, राष्ट्रपति से, उस समय बोट क्लब पर रैली हो रही थी, और उससे बड़ी रैली कभी नहीं हुई वहां पर दिल्ली में, उस रैली ने पूरा का पूरा एक माहौल बनाया था। तो आप 10 लाख लोगों को खड़ा कर दें तो हो सकता है एक नया माहौल बन जाए इस सरकार के खिलाफ। हाँ। लेकिन यदि आप उसको नहीं बना पा रहे, और जैसे बात हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जितने भी हैं वो सब आ जाएं। अभी तो लड़ाई ये चल रही है ना कि अभी तो सीट शेयरिंग की चल रही है ना, कुछ लोगों ने कहा कि बीएसपी को नहीं लेकर आ पाए। हाँ। तो अब बीएसपी नहीं आ रही तो मायावती जी नहीं आ रही तो क्या करें? हाँ, तो वहां तो करिए आरजेडी में और बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में दीपक मुस्कुरा भी रहे हैं आप, एक नेता आज दिल्ली का मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है, और ये वही नेता है जिसने 2013 में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, इसकी गैर मौजूदगी में ये चुनावी ड्राइव बनाने के लिए वैसा कोई आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखता है क्या? गरिमा जी दीपक के लिए मैं कहूं कि दीपक ऐसे नहीं, आंदोलन खड़ा, एक सेकंड दीपक जी, दीपक ऐसे लोगों के करीबी रहे हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स माने जाते हैं, इसलिए उनको बहुत पॉलिटिक्स की बारीक समझ है, वैसे भी गुजराती हैं, गुजराती हैं तो जलेबी बहुत खाई है उन्होंने। दीपक जी क्या बात है यार, आपको भी बेच देते हैं, होली भी है। गरिमा जी मुझे ये लगता है कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा मुझे नहीं दिखता है। हाँ। और खास करके आपदा को अवसर में पलटने में हमारे मोदी साहब माहिर है, बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे करके एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी, और हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी इसमें काफी हद तक बहुत सारे मुद्दे में सफल होती दिखी है हमने हमको। नहीं तो फिर इसमें मैं ये कहूँ क्या दीपक जी, मैं ये कहूँ कि भाई गेम चेंजर के तौर पर एनडीए के पास और बीजेपी के पास तो एक चेहरा है, एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी है वहां पर कोई भी नरेटिव बनाने के लिए, कोई भी मूवमेंट बनाने के लिए। तो विपक्ष के जो मुमकिन चेहरे भी हो सकते थे, अरविंद केजरीवाल इज टॉप ऑफ देम, वो हो सकते थे, क्या ये भी एक स्ट्रेटजी है? नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी वही है ना कि एक अकेला सब पे भारी, सामने वाला सब खाली, ऐसा ही लग रहा है ना मैडम। आप देखो नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है वो क्या है, कोई भी आदमी, अच्छा कांग्रेस के ऊपर वो क्यों बार बार अटैक करते हैं, उसको मालूम है कि टीएमसी, सपा, बसपा, इवन आप, वो एक एक एरिया की पार्टी है। मुझे किसी ने पूछा था कि कांग्रेस का क्या सफाया हो जाएगा, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारे देश में दो ही पार्टी ऐसी है जो कन्याकुमारी से काश्मीर तक दिखती है। और नरेंद्र भाई के सारी स्पीच में आप देखो तो ज्यादातर अटैक उसका कांग्रेस की तरफ ही रहता है, तो नरेंद्र भाई को जो अटैक करना है वो कांग्रेस की तरफ अटैक करना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल मैडम मुझे क्या दिखता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इतनी चर्चाएं हम जो समाज के, जो भद्र समाज के लोग हैं उसमें नहीं देखने को मिलती थी चर्चाएं, लेकिन जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुझे बहुत सारे लोग एकदम सोचने में मजबूर हो गए कि ये क्यों हुआ, हुआ तो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी असर क्या चुनाव में देखने को मिलेगी, वो आने वाला
वक्त बताएगा। अंकुश श्रीवास्तव, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल, और मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल की पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, मुखर होकर बोलती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोली कांग्रेस की सत्ता चली गई, बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, तो पॉलिटिकल थ्रेट था क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, दो चीजें समझनी होगी। अरविंद केजरीवाल बहुत सोच समझ के अपने निशाने चुनते रहे हैं। हाँ। उनको जब जरूरत हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और उस हद तक बनाया कि जो कोई सोच नहीं सकता था कि जितना मर्जी में आए उखाड़ लो, हम नहीं उखड़ेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब गुस्से की चरम सीमा तक वो गए हैं और फिर थोड़ा पीछे हुए। कई बार ऐसा हुआ है कि वो उस हद तक पार भी किया उन्होंने, तो वो एक एग्रेशन लेवल उनका है और वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि मोदी के सामने अगर कोई है तो मैं हूं। बाकी लोग जो है वो बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं। राहुल गांधी कभी कहते हैं एकदम से गुस्से में आता है, वो कभी माननीय और उसमें आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत बराबर की लड़ाई लड़ने के मूड में रहते हैं। इसीलिए ये पूछ रही हूं कि भाई एक तरफ केंद्र की योजना है, 81 करोड़ लोगों को खाना अनाज दे दिया, किसान सम्मान निधि हो गई, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, एक तरफ तो ये, एक तरफ अरविंद केजरीवाल बिजली भी मुफ्त, पानी भी मुफ्त और यातायात भी मुफ्त, ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त। इधर से अगर कोशिश होगी कि बजरंग बली को मुद्दा बनाया जाए, धर्म को मुद्दा बनाया जाए, तो वो भी जाकर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तो ये जो एक इंसेप्शन था अरविंद केजरीवाल का, ये पॉलिटिकल बड़ा थ्रेट था क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा था, लेकिन अगर आपने दो उदाहरण दिए, एक हनुमान चालीसा वाला इधर पढ़ने का और उधर उसके पहले बजरंग बली का, दोनों ही मामले फुसफुस वाले थे। वो उसका कोई बहुत, वो एड ऑन किया जाना था कर्नाटक में, यहाँ उसका कोई बहुत असर नहीं हुआ, तो ये दोनों मामले किनारे कर दिए जाने चाहिए, ये मेरा बिल्कुल निश्चित मत है। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में अरविंद केजरीवाल कितने सक्रिय नजर आते हैं और उनका नाम कितना सक्रियता के साथ बाकी नेता सुनीता केजरीवाल ले पाती हैं, सामने आ पाती हैं, उस कुर्सी रख करके दोनों पीछे गांधी जी और भगत सिंह की कुर्सी मूर्ति फोटो के साथ में, तो ये कितने बड़े लेवल पे कर पाती हैं। इफेन बट पर खत्म हो रहा है, अकु इफेन बट पर खत्म हो रहा है, मैं दीपक अभी 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 इफेन बट पे ही खत्म हो रहा है और जब तक चुनाव, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में चुनाव लगभग एक हफ्ते के अंतर पर हैं, 26 मई और 1 जून के आसपास में, तो अभी उसमें मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। दीपक, ये इफेन बट, एक लाइन और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी एक टप टप करके देखती रहती है कि इसकी बात का क्या असर हुआ, तो उसके काउंटर अपना सोचना शुरू करती है। अभी उनके काउंटर में आंदोलन अभी केजरीवाल ने शुरू नहीं किया, बीजेपी ने शुरू कर दिया। दीपक, ये इफेन बट की सिचुएशन से निकलकर थोड़ा सा क्लैरिटी इस पार या उस पार, छोटा सा, सुन रहे हैं दीपक आवाज मेरी? यस यस सर, क्या पूछा आपने? इफेन बट से निकलकर थोड़ी बहुत कुछ क्लैरिटी पंजाब दिल्ली और पूरे देश में, वो कहना तो अभी थोड़ा जल्दी होगा गरिमा जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ न कुछ असर देख सकते हैं, खास करके दिल्ली और पंजाब में, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने इश्यू को उठाया है और इश्यू को अच्छी तरह से आगे लेके जाते हैं, तो दिल्ली और पंजाब में खास करके असर देखने को मिलेगा। और इस टाइम दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा, नुकसान बीजेपी को देखने हो सकता है। राहुल, भ्रष्टाचार काम कर जाएगा, भ्रष्टाचारी होने का टैग लगाकर काम चल जाएगा बीजेपी का, या इधर से सिंपैथी वोट मिल जाएगा? देखिए, जहां तक पंजाब की बात है, मैं दिल्ली और पंजाब दोनों से बात कर लेता हूं। जो पंजाब की बात है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अरविंद केजरीवाल का सेंटिमेंट काम करेगा। पंजाब में एक और मुद्दा जो किसानों वाला मुद्दा है, वो भी इस वक्त काफी मुद्दा है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि बीजेपी और अकाली दल में जो है गठबंधन जो है कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, अटका हुआ है। हाँ। तो मुझे लगता है कि पंजाब में, हाँ, तो पंजाब में जो मुद्दा है वो किसानों, और अगर ये सेंटिमेंट चला तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। वैसे भी बीजेपी जो है
वो तीन सीटों पे ही ज्यादा फोकस वहां पे है, अमृतसर है, फिरोजपुर है और गुरदासपुर है, यही तीन ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी के कुछ आधार दिखाई देता है, तो वहां पर भी बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। जहां तक यहां दिल्ली की बात है, तो देखिए अरविंद केजरीवाल और आपका जो पूरा सेंटिमेंट है वो लोकलाइज्ड है, मैं इसे ऐसा नहीं मानता, अभी तक की बात कर रहा हूं कि ये लोकलाइज सेंटिमेंट है, वो दिल्ली और पंजाब तक सीमित है अभी तक। लेकिन अगर इससे बड़ा परसेप्शन कोई बनता है कि जो है विपक्षी नेताओं, जो दूसरा बड़ा परसेप्शन है, हाँ, बहुत छोटा सा विनोद जी, सुनीता केजरीवाल का सामने आना क्या वो पार्टी को टूट से बचाने का सबसे बड़ा फैक्टर होगा? इकलौता यही चेहरा जो काम चल सकता, जिससे काम चल सकता। टूट की बात तो खैर मैं भी सोच नहीं रहा हूँ आम आदमी पार्टी में, क्योंकि अभी टूट का ऐसा कोई इलेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन सुनीता केजरीवाल को सामने ला करके एक इमोशनल कनेक्ट जो है, देखिए भारतीय राजनीति में इमोशन का बहुत महत्व है, भावनाओं का बहुत महत्व है। कितना भी हम परिवारवाद का विरोध कर लें, मोदी जी परिवारवाद को लेकर हर, लेकिन हमारे देश में एक सेंटिमेंट बनता है, कहीं कोई एक एमपी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसके परिवार के ही किसी उसको चुनाव में टिकट दिया जाता है। तो ये सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट है राजीव गांधी की, हाँ, जब हत्या हुई तो सोनिया गांधी के पास गई थी पूरी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, तो ये सेंटिमेंट कितना भुना पाएगी आम आदमी पार्टी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, या फिर भ्रष्टाचारी होने का? विजय जी, समय हालांकि बहुत कम है, 10 सेकंड में कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज के पूरे शो में आप आपदा को अवसर में बदलने को गेम चेंजर कहते रही, मैं मानता हूं कि आपदा को अवसर में बदलना गेम चेंजर होता है। कुछ लोग जानते हैं आपदा को अवसर में बदलना, और कुछ लोग जानते हैं अवसर को आपदा में बदलना। इन दोनों में से क्या गेम चेंजर होता है? दोनों में से क्या होने वाला है? ये दोनों गेम चेंजर होते हैं, कौन कैसे कर सकता है? आपदा में अवसर आएगा, या फिर अवसर में आपदा, जिस तरीके से आती रही हमेशा, वो भी आने की संभावनाएं खारिज नहीं की जा सकती। चलते चलते एक बार फिर होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और शामिल पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केशकांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। को पावर्ड बाय easmytrip.com, भारत का ट्रैवल ऐप। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। राजश्री इलायची, टशन का जशन। प्रोटीनेक्स, स्ट्रेंथ अपने लिए, अपनों के लिए। को बुला लो। मंथन 2024 के नए सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले